प्रश्न संख्या 380 माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को उत्तर मिल गया है। मेरा पूरक प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 2 के जवाब में लिखा गया है कि गुणवत्ता की जांच संबंधी सूचना परिशिष्ट क पर उपलब्ध है, जबकि परिशिष्ट क के बिंदु में जांच के बारे में केवल यह अंकित है कि गुणवत्ता जांच समय समय पर कराई जाती है। यह अधिकारियों द्वारा मेरे प्रश्न की अवहेलना की गई है। मेरा प्रश्न था कब कब कराई गई, कराई गई कि कोई उसमें सूचना नहीं है, कराई जाती है, ये बहुत वाइड टर्म्स है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई रिकॉर्ड, क्योंकि ये पूरा का पूरा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर में शारीरिक शिक्षक महाविद्यालय में चालू किया गया, इसका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार के मंसूबों से इस संस्थान को करोड़ों रुपए दिए और वो कार्य की गुणवत्ता भी ठीक नहीं थी। मेरा पहला प्रश्न है कि इस कार्य की गुणवत्ता की जांच कब कब की गई और किस एजेंसी से की गई, ये कृपया मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर के अंदर राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के अंदर परिसर में चल रही है। 2023 के अंदर इसको स्थापित करा गया था और अभी तक तकरीबन 61 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हुए और काफ़ी जो, क्योंकि पिछले साल ही इसको शुरू करा गया था, काम अभी चल रहा है, कुछ कार्य पूरे हो गए हैं, कुछ कार्य अभी भी चल रहे हैं। जिस भी एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उस एजेंसी की डिज़ाइन और आर्किटेक्ट्स हैं वो इसकी निरीक्षण करते हैं लगातार, और बनने के बाद भी जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद में भी इसका निरीक्षण होता है, क्योंकि हाल ही में हुआ है, इस वजह से ये लिखा गया है कि जब जब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होता है तब तक इसके ऊपर जिस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है वो जांच करती है। माननीय सदस्य का जो दूसरा प्रश्न है, जिसके ऊपर मुझे लगता है उनका फोकस है कि इसके ऊपर क्या सोच विचार है सरकार का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के बीच में भी रखना चाहता हूँ कि सोच ठीक था, लेकिन जहाँ डिग्री दे रहे हैं वो, माफ कीजिए, जहाँ डिप्लोमा दे रही है ये राज्य क्रीड़ा परिषद, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं जो डिग्री देगी और उसके साथ साथ हर संभाग के अंदर एक कॉलेज होगा वो भी डिग्री देगी। तो अब जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो इस बजट में अप्रूव हुई है उसके अंदर डिग्री भी मिल रही है और डिप्लोमा भी मिल रहा है, इस कारण से ये राज्य क्रीड़ा संस्थान के ऊपर जो खर्चा हो रहा है इसको वापस से चिंता करने की सोच विचार की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इस संस्थान में अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, दूसरा इस संस्थान के भविष्य के बारे में राज्य सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा है, है ना। तीसरी पार्टी को वहाँ एंटर करना सीधा सीधा लगता है भ्रष्टाचार का कोई बड़ा खेल है। माननीय मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करें कि आज तक कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया और आगे इसके लिए सरकार की क्या मंशा है। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, 23 में स्थापित हुई, अभी भी उस पर काम चल रहा है, वहाँ पे जो खिलाड़ियों का प्रशिक्षण हो रहा है वो राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के माध्यम से हो रहा है, और जैसे मैंने अपने पिछले उत्तर में कहा कि इसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि हम एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं जिसके हर संभाग में कॉलेज होंगे। अगला प्रश्न है, जादूराम